नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इट्स सुमित कुमार में। और जैसा कि आप सभी को पता है, ठंड के दिन चल रहे हैं और ठंड के दिनों में अगर कार में हीटर ना चले तो भाई ड्राइविंग करने का जो मज़ा है वो ही बिल्कुल गायब सा हो जाता है, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है क्योंकि ठंड लगती है, सारा ध्यान ठंड पे रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाड़ी के हीटर के बारे में कि कैसे गाड़ी के हीटर को चलाते हैं, क्या उसे चलाने का सही तरीका है। और एंड में यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख पाते हैं तो हम एकाद मिथ के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कार के हीटर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कार के हीटर के बारे में बताने से पहले आपको जो एयर क्वालिटी को कंट्रोल्स करने के लिए, मतलब जितने भी सिस्टम या जितने भी नोब गाड़ी में दिए उनके बारे में थोड़ा ऊपर से जान लेते हैं, ज़्यादा डीप में इनके बारे में नहीं जाएंगे। तो जो मेरे पास गाड़ी है वो है टाटा टियागो XZ। इसमें कोई ऑटोमेटिक एसी नहीं है, ये एक मैनुअल एसी है। और आपको सबसे पहला जो नोब देखने को मिलता है ये आता है आपके ब्लोवर की डायरेक्शन को सेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप ऊपर से, नीचे की तरफ से या सामने से, तीन डायरेक्शन से ब्लोवर की हवा आती है उसे आप सेट कर सकते हैं। और दूसरा जो नॉब है इससे आप जो ब्लोवर की स्पीड है, जैसे कि आप अभी आवाज़ से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, जो ब्लोवर की स्पीड है आप उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 इसमें चार तरह के पॉइंट्स दिए हैं, उन जैसे जैसे आप तेज करते जाएंगे स्पीड भी तेज होती जाएगी और इसको जैसे लो पे रखेंगे तो स्पीड लो हो जाएगी। अगला जो आपको नॉब दिया हुआ है इससे आप ब्लोवर से जो टेम्परेचर आ रहा है उसको आप सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हीटर में मेनली यूज़ इसी का है। साथ ही साथ आगे दो कंट्रोल्स आपको और दिए जाते हैं। जो पहला जो कंट्रोल है इस वाले को, जहाँ पर भी आपको ये वाला निशान गाड़ी में देखने को मिले वहाँ उसका मतलब होता है इनर सर्कुलेशन को ऑन करना। यदि आप इसे ऑन कर देते हैं तो गाड़ी के अंदर जो हवा है, गाड़ी का जो ब्लोवर है उसी हवा को ले लेके सर्कुलेट करता रहेगा, वो बाहर से कोई नई हवा को नहीं खींचेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे ऑफ कर देते हैं जो गाड़ी का ब्लोवर है वो बाहर की तरफ से ताज़ी या फ्रेश हवा खींचने लगता है। तो ये इसका यूज़ है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही ये ऑन हो जाता है, बाहर से हवा खींचने लगता है तो जो एयर थ्रो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें हैं। जैसे आप किसी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो तो आप कहीं अगर अंदर की तरफ गए थे, मतलब कि कोई अच्छी एयर क्वालिटी वाली जगह पर गए थे तो आप वहाँ से हवा को अंदर लेके और फिर अंदर ही अंदर उसे सर्कुलेट कर सकते हैं। पॉल्यूटेड एरिया में है, ज़्यादा धुआं वगैरह आ रहा है, तब आप अंदर ही अंदर सर्कुलेट कर सकते हैं, या आप कोई अच्छी प्राकृतिक जगह में तो आप बाहर से हवा ले सकते हैं, ठीक है। अगला जो कंट्रोल है ये एसी के कंप्रेशर को ऑन या ऑफ करने का है। जब आप ब्लोवर को ऑन करेंगे तभी ये वर्क करेगा। जैसे अभी मैंने ब्लोवर को ऑफ कर दिया और अगर मैं इस बटन को दबा रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगा। तो जैसे मैंने ऑन किया और ये इसे ऑन किया, इसका मतलब जो इंजन के साथ साथ आपका एयर कंडीशनर का इस कंप्रेसर है वो ऑन हो गया है। इसे ऑफ़ कर दूंगा तो वो ऑफ़ हो जाएगा और आपको ठंडी हवा आनी बंद हो जाएगी। तो हीटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिज़ायर्ड एयर थ्रो को सेट करना होगा कि आप कहाँ से हवा लेना चाहते हैं, ठीक है। यदि आपके पैर ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं तो आप जो ब्लोवर की डायरेक्शन वो पैरों की तरफ कर लें, मुंह ठंडा लग रहा है तो मुंह की तरफ कर लें, या केबिन को कूल करना चाहते हो तो आप सामने के उनसे हवा ले सकते हैं। और जब भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना है या हीटर ऑन करना है तो जो एसी है इसे आप ऑन करें या ऑफ़ करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसे ऑफ़ रखेंगे तब भी जो हीटर जो गर्म हवा लेता है वो डायरेक्ट इंजन के कूलेंट से, मतलब कूलेंट पाइप जो है वहाँ पर एक कॉइल से बनी होती है उससे पास होके आती है, तो उसमें मतलब कोई एसी का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसे आप ऑन करें या ऑफ़ करें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे आप इसे ऊपर की तरफ करेंगे इस वाले नॉब को, या जैसे जैसे ये ब्लू, आधे में ब्लू दिया हुआ है साइन, आधे में रेड दिया रहता है, तो जहाँ रेड है वहाँ पर तो आपका हीटर वर्क करेगा ही, लेकिन आप इसे यदि थोड़ा सा भी ऊपर करते हैं तो आपको थोड़ी मात्रा में गर्म हवा मिलेगी। सीधा सा सिंपल सा इसका मैकेनिज़म है। लेकिन आप यदि केवल हीटर को ऑन करते हैं और एसी को ऑफ रखते हैं
तो थोड़ी देर में आप पाएंगे कि आपके जो चारों तरफ है फॉग ही फॉग एकदम जमा हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीटर और एसी को साइमल्टेनियसली ऑन करना रहेगा। उससे क्या होगा कि जैसे ही आप एसी को ऑन करेंगे और हीटर को भी ऑन कर देंगे तो आपका जो सामने वाला ब्लोवर है जो कि आपके विंडशील्ड पे थ्रो देता है वहाँ से ठंडी हवा आएगी, तो आपको क्या है जो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर है आपके विंडशील्ड का वो मैच होने लगेगा, तो वहाँ की फॉग चली जाएगी और आपके जो सामने वाले ये जो दो आपको ये दिख रहे हैं यहाँ से हीटर की हवा आएगी और ये जो साइड वाले आपको जो ब्लोवर्स दिख रहे हैं इनसे भी ठंडी हवा आएगी, तो आपका जो जितना भी फॉग है गाड़ी में वो भी चला जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा नहीं आएगी, बहुत कम ठंडी हवा आएगी। और जैसे ही आप हीटर भी आपका यदि ऑन रहेगा तो इन वाले दो ब्लोवर से आपकी गर्म हवा आनी हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों हीटर के बारे में कुछ बात। यदि आपका कार हीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आप कार्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतना ही था आज की वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।